कंक्रीट का टेस्टिंग पढ़ लिए, सारी चीज़ें पढ़ लिए, अब कंक्रीट से मिलके कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिसका नाम है लोड बियरिंग और फ्रेम स्ट्रक्चर्स। देखो आपके नोट्स में, जो नोट्स ओपन किए होंगे, अच्छा डायग्राम है जिसमें आपको दिख रहा होगा लोड बियरिंग में आपको एक भी कॉलम या बीम नज़र नहीं आ रहा है। जो डायग्राम जिनके पास है वो देखे नोट्स में, जिनके पास नहीं वो यहाँ देखे। दिख रहा होगा आपको एक भी बीम और कॉलम नहीं है, डायरेक्ट वॉल खड़ी की गई है, वॉल के नीचे एक फाउंडेशन है ग्राउंड लेवल से, फाउंडेशन आपको नज़र नहीं आती है, आपको सिर्फ वॉल दिख रही है। ऐसे स्ट्रक्चर्स जहाँ पे बीम एंड कॉलम्स नहीं है, आपका स्ट्रक्चर का लोड किस में आएगा? सबसे पहले स्लैब में, स्लैब मीन्स ये ऊपर की छत, छत के बाद सीधे वॉल्स में, वॉल से सीधा फाउंडेशन में। देखना लोड बियरिंग और स्ट्रक्चर के नीचे एक ऐसा आपको फ्लो चार्ट दिया होगा, स्लैब, स्लैब के नीचे वॉल्स, वॉल्स के नीचे फाउंडेशन, किस हिसाब से लोड आ रहा है, एक एरो दिया होगा डायग्राम में, वो ऐसे होगा। उसके बाद फ्रेम स्ट्रक्चर मीन्स जैसे फ्रेम होता है हमारा, फ्रेम क्या होता है, पहले आउटर लाइन बॉर्डर होती है, उसके बाद उसके अंदर जो भी फोटो हुआ, कोई भी पिक्चर हम फिक्स कर सकते हैं, वैसे ही आपका फ्रेम कंस्ट्रक्शन में देखो ब्लू लाइंस जो है वो आपकी कॉलम और बीम है, और जो बचा हुआ स्पेस है उसमें मैंने ब्रिक वर्क किया है, वॉल्स खड़ी की है, ठीक है। दैट मीन्स आपका एक फ्रेम है, फ्रेम के अंदर आप कुछ भी काम कर सकते हो। इसमें हमारा बीम और कॉलम होने की वजह से देखो फाउंडेशन और फुटिंग मैंने आइसोलेटेड वाली डाली हुई है ताकि आपको डिफरेंस दिखे। इसमें एक प्रॉपर राफ्ट फुटिंग जैसा आपको दिख रहा है एक स्लैब, पर यहाँ पे देखो आपको आइसोलेटेड दिख रही होगी क्योंकि इसमें बीम्स एंड कॉलम्स है। तो यही डिफरेंस है बेसिकली, जिसमें बीम और कॉलम है, जिसमें बीम और कॉलम नहीं है। इसमें लोड कैसे आएगा आपका? बीम, बीम से सबसे पहले स्लैब, स्लैब से बीम, बीम से कॉलम, कॉलम से फुटिंग, ऐसे आपका लोड ट्रांसफर होगा, ठीक है। देखो अब स्टार्ट करते हैं, ये क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स के लिए आता है और यही क्वेश्चन आता है एज इट इज़ के डिफरेंस क्या है आपका लोड बियरिंग और फ्रेम स्ट्रक्चर में। इसमें 12 पॉइंट्स है, 12 याद करके जाओगे 8 ही याद रहेगा। 8 मार्क्स के लिए 10 पॉइंट भी बहुत है, और आपके डायग्राम को अगर आप बना सको तो ज़्यादा अच्छा है। एग्जाम में क्या है, वैसे पिक्चर डायग्राम तो बना नहीं पाओगे, एग्जाम में इस टाइप का डायग्राम बना पाओगे तो बना देना, ठीक है। 10 पॉइंट भी लिखोगे दैट विल बी इनफ। और एक अच्छी चीज़ ये है, जितना पॉइंट यहाँ लिखा है इसी पॉइंट्स को याद करना है, जस्ट अपोजिट उसका वहाँ लिखना है, ये पॉइंट्स अलग अलग याद नहीं करने, ठीक है। अब देखो कुछ चीज़ें आपको खुद से पता होगी। नंबर 1 इज़ रेयरली यूज्ड, आपको पता है लोड बियरिंग कंस्ट्रक्शन ऐसा बहुत कम यूज़ होता है जहाँ कॉलम और बीम नहीं बनता है, दैट मीन्स आपको एक्स्ट्रा केयर से बनाना पड़ेगा, तो वो रेयरली यूज़ होता है, पर वो हमेशा से यूज़ होता है इसलिए लिखा है जनरली यूज्ड। सेकेंड है आपका थिकनेस ऑफ वॉल इंक्रीजेस, इसमें क्या है कॉलम बीम नहीं है तो मेरे वॉल का थिकनेस थोड़ा हम लोग को थिक रखना पड़ेगा, मोटा रखना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं तो वॉल धस जाएगी। इसका अच्छा एग्जाम्पल है आपका पुराने ब्रिटिश ज़माने में जो बनते थे घर, उसके वॉल्स देखें, ईंट छोटी छोटी होती थी पर उसकी दीवार की जो थिकनेस है वो काफ़ी मोटी होती थी। जो पुराने पुलिस स्टेशन या हॉरर हॉन्टेड हाउस दिखाते हैं, किला वगैरह, उसमें देखना कॉलम और बीम नहीं होगा पर थिकनेस ऑफ वॉल मोटी होगी, तो पहले के कंस्ट्रक्शन के हिसाब से आप बोल सकते हो। थर्ड इज योर नो फ्लेक्सिबिलिटी इन डिज़ाइन एंड प्लानिंग, इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। जैसे वहाँ पर मेरा कॉलम और बीम खड़ा कर दिया मैंने, सपोज इसी रूम का कॉलम बीम खड़ा कर दिया, अब इस बीम से लेके उस बीम पे मैं एक डायगोनली वॉल खड़ा कर सकती हूँ, कर सकती हूँ, लेकिन आप इसमें नहीं कर सकते, इसमें आपकी जहाँ से वॉल है वहीं से खड़ी करनी है, कोई कॉलम नहीं है, कोई बीम नहीं है, कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है, आपको सीधी एक वॉल खड़ी करनी है, तो वो आपके लिए मुश्किल है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है डिज़ाइन और प्लानिंग की, आपको जो फिक्स है वही करना है, यहाँ पे आप अपने हिसाब से चेंज कर सकती हो, क्योंकि मेरा लोड तो कॉलम और बीम बियर कर रहा है, मैं वॉल कहीं पे से भी खड़ी कर सकती हूँ, ठीक है। क्रिस क्रॉस वॉल खड़ी कर दी, पार्टीशन बना दी, अब इसमें तुम पार्टीशन वॉल खड़ा करो नहीं हो पाएगा क्योंकि लोड बियर करेगा, परफेक्ट कैलकुलेशन के साथ होगा वो, ठीक। व्हाट इज़ फोर्थ? फोर्थ इज़ योर कंस्ट्रक्टेड ऑन हार्ड लेयर ऑफ सॉइल, अगर यहाँ पे लेयर स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, अगर सपोज बहुत लूज सॉइल है तो क्या होगा आपका वॉल बियर ही नहीं कर पाएगा, वॉल गिर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ पे आप किसी भी सॉइल पे बना सकते हो। ये स्ट्रक्चर अगर मैं यहाँ पे शैलो फाउंडेशन नहीं प्रोवाइड करती, डीप फाउंडेशन प्रोवाइड करती, तो भी मेरा कॉलम बीम मैं खड़ा कर सकती हूँ, दैट मीन्स मैं किसी भी सॉइल पे बना सकती हूँ, पर इसको मैं हमेशा हार्ड सॉइल पे ही बनाऊंगी। व्हाट इज़ फिफ्थ? हैज़ लोअर अर्थक्वेक पावर रेजिस्टेंस, क्योंकि इसमें क्या है बीम कॉलम नहीं है तो वॉल कितना ही देर तक बियर करेगा, अर्थक्वेक का झटका आएगा तो वो तुरंत गिर जाएगा, दैट मीन्स अर्थक्वेक को कम रेजिस्ट कर सकता है एज कम्पेयर टू दैट बिल्डिंग फ्रेम स्ट्रक्चर। वॉट इज 6th? मोर मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, ज़्यादा मटेरियल्स कैसे यूज़ होगा, आपकी वॉल की थिकनेस बढ़ जाएगी, दैट मीन्स कहीं ना कहीं ईंट ज़्यादा लगने लग गई आपको, सीमेंट ज़्यादा लगने लग गया, मोटार ज़्यादा लगने लग गया, आपको चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ पे मटेरियल ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, पर वहाँ पे ऐसा नहीं है,
वहाँ पे लिमिटेड चीज़ें यूज़ करोगे, आपकी बीम और कॉलम स्ट्रांग होनी चाहिए, दीवार आप कितनी भी गंदे वाली ईंट से या लो क्वालिटी वाली ईंट से बनाओगे तो भी चलेगा, ठीक। सेवेंथ है आपका मोर एक्सकवेशन, एक्सकवेशन मीन्स खुदाई। जब आप फाउंडेशन बनाओगे तब आपको ज़्यादा डीप, आ जाओ इतना डरावने तरीके से बोला है ना, डर लगा ना थोड़ी देर के लिए, मैं भी घबरा गई क्या हुआ। मोर एक्सकवेशन मीन्स जितना ज़्यादा आप डीप उसको डिक करोगे खोदोगे उतना अच्छा आपका इसका फाउंडेशन का जो है वो नींव जो है वो स्ट्रांग बनेगी, फाउंडेशन स्ट्रांग बनेगा। पर वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे थोड़ा बहुत भी करोगे तो भी क्या होगा, आपका नॉर्मल जो स्ट्रेंथ आनी है, नॉर्मल जो लोड बियर होना है वो हो जाएगा, पर यहाँ पे आपको डीप करना पड़ेगा क्योंकि आपका जो वॉल है वो काफ़ी बड़ा है, और अगर आप बहुत डीप से स्टार्ट नहीं करोगे, डायरेक्ट वॉल खड़ी करोगे तो आपका जो बिल्डिंग है वो हो सकता है डिफॉर्म हो जाए, गिर जाए, डिफ्लेक्ट हो जाए। क्यों सबसे बड़ा रीज़न डीप करने का, उधर पे बीम और कॉलम पे आपको RCC लोहे की छड़ आप यूज़ करोगे तो आपकी बिल्डिंग डायरेक्टली नहीं गिरेगी कभी भी, पर यहाँ पे क्या है आपकी दीवारों पे कभी भी आपके रॉड या छड़ यूज़ नहीं होते, RCC बार्स यूज़ नहीं होंगे, तो डायरेक्टली क्या होगा, ब्रिटल मटेरियल है, एक झटका लगेगा तुरंत गिरेगा। वहाँ पे गिरने में टाइम क्यों लगेगा, क्योंकि उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा ड्यू टू RCC बार्स, वो मुड़ जाएगा पर धस जाएगा पर गिरेगा नहीं, डायरेक्ट नहीं गिरेगा। देखा कभी बिल्डिंग को, डायरेक्ट नहीं गिरता है, वो धस जाता है। यहाँ पे RCC बार्स नहीं है जिस वजह से हम एक्सकवेशन ज़्यादा करेंगे। दो वर्ड के पीछे थोड़ी लंबी कहानी है, ठीक है, इसको सेंटेंस में लिखना। व्हाट इज 8th पॉइंट, लेस सीमेंट एंड स्टील्स आर रिक्वायर्ड, मीन्स यहाँ स्टील तो रिक्वायर्ड होगा ही नहीं, लेस वाला वर्ड तो छोड़ ही दो, स्टील तो यहाँ पे होगा ही नहीं, सीमेंट भी कम लगेगा क्योंकि हमारा मोर्टार है, वहाँ पे क्या है कॉन्क्रीट बनता है, कॉन्क्रीट से कॉलम और बीम बनाते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे मोर्टार से बनाएंगे, तो हमारा सीमेंट कम लगेगा एज कम्पेयर टू उधर कॉन्क्रीट के, ठीक है। वॉट इज नेक्स्ट पॉइंट, मैनी लेबर्स आर रिक्वायर्ड, क्योंकि आपके किस में स्किल ज़्यादा है, काम ज़्यादा है, तो आपको लेबर्स बहुत सारे चाहिए, लेबर्स कम रहेंगे तो होगा नहीं। आपको दीवार सीधी सीधी खड़ी करनी है तो आप सीधी कैसे खड़ी करोगे, वहाँ तो कॉलम और बीम का सहारा है तो आपको पता है यहाँ से यहाँ तक ये करना है, अपने आप सीधी खड़ी होगी दीवार, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे दीवार टेढ़ी भी हो सकती है, पूरे दीवार में थोड़ी फ्रेमवर्क लगाओ, फ्रेमवर्क जानते हो ना क्या होता है, स्टील के प्लेट्स जिसको हम सपोर्ट देते हैं कॉन्क्रीट के बीम और कॉलम बनाने के लिए, तो पूरे वॉल्स में मैं क्या करूँगी नहीं लगा सकती फॉर्मवर्क, फॉर्मवर्क मैं कहाँ लगाऊंगी सिर्फ कॉन्क्रीट वाले उसमें, तो वहाँ पे जब फॉर्मवर्क लगेगा ही नहीं, दैट मीन्स लेबर का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा, काम ज़्यादा होगा वहाँ पे। व्हाट इज़ नेक्स्ट, लाइफ इज नॉट मच अफेक्टेड ड्यू टू द टेक्निक, इसकी जो लाइफ है ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी, उसकी जितनी लाइफ है इसकी भी लगभग उतनी रहेगी, क्योंकि इसमें टेक्निक और स्किल ज़्यादा यूज़ हुआ है, मटेरियल ज़्यादा यूज़ हुआ है, तो वो सारी चीज़ें यूज़ होकर कहीं ना कहीं उसके बराबर ही उसने कर ली है, तो लाइफ उसका जो है बिल्डिंग का वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा टेक्निक से, ठीक है। ये दो स्टोरी बिल्डिंग तक के लिए ही काम करेगा, दो मंजिल घर के लिए काम करेगा, उसके बाद इसको नहीं बना सकते। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाएंगे तो वॉल नहीं सह पाएगा उसको, वॉल बियर नहीं कर पाएगा, पर उसमें ऐसा नहीं है, उसमें क्या होगा आपका कितने भी स्टोरी बिल्डिंग आप बना लो कॉलम बीम के साथ बन जाएगी। कॉम्प्लेक्सेस बनते देखा है आपने, मॉल बनते देखा है, पहले देखना कॉलम और बीम ही नजर आते हैं उसके बाद उसमें वॉल खड़ी करते हैं, तो वहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए काम आएगा, ये सिर्फ टू स्टोरी बिल्डिंग के लिए, ये वैसे हालांकि कम बनता है, आजकल बनता ही नहीं है घर। नेक्स्ट इज योर, जो पहले बता रही थी फर्स्ट पॉइंट, लोड ट्रांसफर टू सॉइल फ्रॉम वॉल बियरिंग, वॉल पे जितना लोड आएगा उसी से सॉइल पे लोड ट्रांसफर होगा, इधर पे क्या है बीम और कॉलम से जितना लोड आएगा वो आपकी फुटिंग पे जाएगा और सॉइल पे ट्रांसफर होगा, ठीक है। एकदम ईजी है, कुछ भी टफ है इसमें नहीं है, इतने को याद रखो, 12 में से 8 तो याद रहेगा ही रहेगा, पूरा लिख सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, पर इसका जस्ट ऑपोजिट उस पर लिखना है, वेरी इजी। बेटा नोट्स भेजा हुआ है, फोटो क्लिक नहीं कर, नोट्स तो इजीली भेजा हुआ है ग्रुप में, अच्छा इसको लग करना है, कर लो, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद दो टॉपिक आपका बचता है, दैट इज स्पेशल कॉन्क्रीट और उसके बाद है बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। मैं